a joyous festival which is to be celebrated with your friends, with your family. At the same time, zaruri hai ki aap apne aap ko updated rakhe with whatever is happening in the country, right? You keep critically analyze uske upar, which is your national population register. Theek hai, union cabinet ne jo hai announce kar diya hai ki NPR jo hai update kiya jayega, and iske liye jo hai 3500 crores alag se rakh bhi liye gaye hain. Ye NPR hai kya? NPR एक एग्जॉस्टिव, एक ऑल एनकम्पसिंग डेटाबेस है किनका यूजुअल रेजिडेंस जो है, ये ज़रूरी है यहाँ पे याद रखना, किनका यूजुअल रेजिडेंस जो है देश के, उनका जो है ये एक जो है डेटाबेस है. ये अनाउंस किया गया है कि अप्रैल 2020 जो है तब से ये शुरू कर दिया जाएगा प्रोसेस, एंड सितंबर तक जो है ये ख़त्म कर दिया जाना चाहिए. अब ऐसा नहीं है कि पहली बार एनपीआर हो रहा है. पहली बार एनपीआर जो है 2010 में कराया गया था, एंड लेटर इसको अपडेट किया गया था 2015 में, जब उसको लिंक किया गया था आधार कार्ड के साथ. हाउएवर इसके बाद से एनपीआर जो है बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया है, बिकॉज इसको जो है ये मानने जा रहा है कि अब इसकी लिंकेज हो गई है एनआरसी के साथ, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दैट व्हेन इट वाज ऑलरेडी लिंक टू आधार, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अनदर अपडेशन, राइट. ऑल्सो देर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन बिटवीन एन पी आर एंड सेंसिस. सेंसिस भी जो हर 10 साल में होता है, दैट इज ऑल्सो ड्यू. अब ज़रूरी है ये जानना, सेंसिस इनके बीच में स्टैचुटरी ही जो इनके रेगुलेशन है, जो स्टैचुएट्स इनको अलाउ करते हैं, वही डिफरेंट है. सेंसिस कंडक्ट कराया जाता है अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेंसिस एक्ट ऑफ 1948, वेयर एज आपका जो एन पी आर होगा ये होगा अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, ये जो पेरेंट एक्ट है. अब एनपीआर जैसे कि हमने पहले भी देखा, एक रजिस्टर है किनका, यूजुअल रेजिडेंस, जो कि यूजुअली रिजाइड करते हैं इंडिया में, उनका ये एक रजिस्टर होगा. इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट की जाएगी लोकल लेवल से, राइट, जो आपके विलेजेस हो गए, सब टाउन्स हो गए, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल से, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और फिर नेशनल लेवल से अंडर द पेरेंट एक्ट, कौन सा आपका, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, एज वेल एज सिटीजनशिप रूल्स जो हैं आपके ऑफ 2003. साथ ही में अब यहाँ पे मुद्दा आता है कि यूजुअल रेजिडेंट होते कौन है. यूजुअल रेजिडेंट हम डिफाइन करते हैं एज समवन जो कि रिजाइड करता है किसी एक लोकल एरिया में एटलीस्ट पिछले 6 महीने या ज़्यादा से, ठीक है, या फिर एक इंसान जो कि इंटेंड करते हैं, जिनका इंटेंशन है रिजाइड करना किसी एरिया में फॉर एटलीस्ट द नेक्स्ट 6 मंथ्स. ये लॉ जो है कंपल्सरिली सीक करता है कि हर सिटीजन ऑफ इंडिया जो है रजिस्टर हो और उनको एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो इशू किया जाए. नाउ मेनी थॉट दैट आधार इज समथिंग जो ये काम को फुलफिल ऑलरेडी कर रहा है. ये जो प्रोसेस है अपडेट करने का एनपीआर, ये कौन कराएगा, ये कराया जाएगा बाय द रजिस्ट्रार जनरल एंड द एक्स ऑफिशियो सेंसिस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है. हाउएवर ये सेंसिस नहीं है. ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है एनपीआर का कि एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडेंटिटी डेटाबेस जो है बना लिया जाए हर यूजुअल रेजिडेंट का इन द कंट्री, ठीक है. ये डेटाबेस जो है, अब इसके अंदर क्या पर्टिकुलर्स जो है इंक्लूड होंगे अबाउट द पीपल, उनका नाम, उनका रिलेशनशिप टू द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, जो भी हेड ऑफ द हाउस होल्ड है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अगर वो मैरिड है तो उनके स्पाउस का नाम, सेक्स, दैट इज़ योर आपका बायोलॉजिकल जो है सेक्स क्या है, वेदर योर फीमेल, मेल, अदर, सो ऑन सो फोर्थ, राइट. डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपका, नेशनैलिटी जो कि डिक्लेयर की गई है, प्रेजेंट एड्रेस जो आपका यूजुअल रेजिडेंस है वो, कितना टाइम हो गया है आपको प्रेजेंट एड्रेस में रहते हुए, एज वेल एज परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, ठीक है. कि फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ पीपल से मे बी माइग्रेटिंग फ्रॉम स्मॉल टाउन्स और विलेजेस यू नो फॉर अ जॉब टू बिगर सिटीज, एंड वहीं पे वो इंटेंड कर रहे हों टू स्टे फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, ठीक है. तो ये सब चीज़ भी रिकॉर्ड करना, ऑक्यूपेशन एज वेल एज एडुकेशन क्वालिफिकेशन. जब ये एनपीआर कराया जाएगा, ये बोला जा रहा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी,
ये स्टेटमेंट जो है होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा दी गई थी टू वेरियस न्यूज एजेंसीज, ठीक है, कि जो भी इंफॉर्मेशन रिस्पोंडेंट द्वारा दी जाएगी उसको करेक्ट माना जाएगा और कोई भी डॉक्यूमेंट्स या बायोमेट्रिक जो है एडिशनली रिक्वायर्ड नहीं होंगे। जो प्रोसेस है कलेक्टिंग ऑफ एनपीआर का वो अप्रैल 2020 में जो है शुरू हो जाएगा। एनपीआर जो है पूरे देश में कराया जाएगा एक्सेप्ट असम, और असम में क्यों नहीं कराया जा रहा, बिकॉज एज पर द असम अकॉर्ड ऑलरेडी जो है असम के अंदर एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जो है एनआरसी की एक्सरसाइज जो है कंडक्ट करा दी गई है, ठीक है। यही गजेट नोटिफिकेशन जो है एनपीआर के बारे में पब्लिश की गई थी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑगस्ट एज वेल। इसके बाद इम्पॉर्टेंट आता है आपका एसडीजी इंडिया इंडेक्स। नीति आयोग ने जो है सेकेंड एडिशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स जो है कराया है, ठीक है, जो कि बताएगा आपको रिगार्डिंग द प्रोग्रेस जो कि की गई है बाय इंडियन स्टेट्स एज वेल एज यूटीज इम्प्लीमेंट करने के लिए 2030 के आपके एसडीजी विच इज़ योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। और साथ ही में ये जो टारगेट्स हैं ये बताए गए कि नीति आयोग जो है 30 दिसंबर को जो है जो ये कंडक्ट कराना शुरू कर दिया जाएगा। जो एसडीआई इंडिया इंडेक्स है एज वेल एज एक डैशबोर्ड जो है ऑफ 2019-20 ये डेवलप किया जा रहा है कोलैबोरेशन में विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया एज वेल एज ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट। नीति आयोग के पास मैंडेट है कि वो ओवरसी करेंगे, सुपरवाइज करेंगे अडॉप्शन एज वेल एज मॉनिटर करना एसडीजीज को कंट्री के अंदर दोनों ही नेशनल एज वेल एज सब नेशनल लेवल पे। एसडीजी इंडेक्स इंडिया इंडेक्स का जो पहला एडिशन था दिसंबर 2018 में आया था और ये पहला ऐसा टूल था जो कि अडॉप्ट किया गया था, डेवलप किया गया था किसी भी लार्ज कंट्री द्वारा मॉनिटर करने के लिए प्रोग्रेस जो कि कंट्री कर रही है अचीव करने के लिए एसडीजीज को एट द सब नेशनल लेवल। जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2019 है ये ट्रैक करेंगे प्रोग्रेस, साथ ही में ये रैंक भी करेंगे सारे स्टेट्स एंड यूटीज को ऑन 100 इंडिकेटर्स जो कि ड्रॉ किए गए हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, जिसके अंदर फर्दर जो है 306 इंडिकेटर्स हैं। ये इंडिकेट करेंगे कौन सी कंट्री है, इसकी स्टेट्स और यूटीज करंटली क्या वो रेट करते हैं एसडीजी इम्प्लीमेंटेशन पे, एंड चार्ट करेंगे कि अभी वो कितनी दूर हैं एसडीजी टारगेट से। ये इंडेक्स कवर करेगा 16 आउट ऑफ 17 एसडीजीज को और एक क्वालिटेटिव असेसमेंट जो है गोल 17 की कराई जाएगी। तो ये जो है एक 2018 के ऊपर एक मार्क्ड इम्प्रूवमेंट है जहाँ पे क्वांटिटेटिव सर्वे जो है 16 गोल्स का होगा वेरस 17 गोल का एक क्वालिटेटिव सर्वे होगा। 2018 के इंडेक्स के अंदर सिर्फ 13 गोल्स जो हैं कवर किए गए थे। नेक्स्ट अप इज़ योर अटल भूजल योजना विच इज़ अटल जल। जैसे कि हम जानते हैं कि 25 दिसंबर जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो थे राइट उज नो मोर, उनका जो है बर्थ एनिवर्सरी होती है, उनकी जो बर्थडे होता है, ठीक है, इसी दिन पे जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की हमारी अटल भूजल योजना विच इज़ योर अटल जल, जो कि डिज़ाइन की गई है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेंथनिंग क्या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जिसके थ्रू पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट जो है वो अचीव की जा सके, साथ ही में बिहेवियरल चेंजेस लाए जा सके एट द कम्युनिटी लेवल ताकि ग्राउंड वाटर रिसोर्स को जो है एक सस्टेनेबल तरीके से यूज़ किया जा सके। ये जो योजना है ये स्पेसिफिकली 7 स्टेट्स के अंदर जो है इम्प्लीमेंट की जाएगी, दैट इज़ गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है बेनिफिट करेगी नियरली ओवर 8,000 ग्राम पंचायत को इन 78 डिस्ट्रिक्ट्स इन 7 स्टेट्स में। अटल जल जो है प्रमोट करेगा पंचायत लेड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एज वेल एज बिहेवियरल चेंज, ठीक है, जो कि डिमांड साइड पे फोकस करेगी। इसके अंदर जो है टोटल आउटले 6,000 करोड़ का दिया गया है जो कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा ओवर 5 ईयर्स। 50% जो है वर्ल्ड बैंक के लोन के तौर पे होगा और ये रीपे किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। रिमेनिंग 50% जो है आएगा थ्रू सेंट्रल असिस्टेंस फ्रॉम रेगुलर बजटरी सपोर्ट। जो सारा का सारा वर्ल्ड बैंक का लोन कंपोनेंट है एंड सेंट्रल असिस्टेंस है ये स्टेट्स को ग्रांट्स के तौर पे जो है आगे बढ़ा के दी जाएगी। नेक्स्ट अप इज़ द टनल विच इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर द रोहतांग पास। एक हिस्टोरिक डिसीजन जो है ये लिया गया, ये एक 8.8 किलोमीटर
लॉन्ग जो है टनल राइट था राइट, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जो है ये डिसीजन लिया गया था राइट, विच इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल अबव एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 3,000 meters राइट, जो कि रिड्यूस करता है डिस्टेंस बिटवीन मनाली एंड ले बाय 46 किलोमीटर्स एंड सेव करता है करोड़ ऑफ रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में। ये जो है एक 10.5 मीटर वाइड सिंगल ट्यूब बाई लेन टनल है विद फायर प्रूफ एमरजेंसी टनल बिल्ट इन द मेन टनल इट्सेल्फ। जो ब्रेक थ्रू था दोनों ही एंड्स में वो अक्टूबर 15, 2017 में अचीव किया गया। ये टनल जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है एंड ये रिगार्ड किया जा रहा है कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए, स्पेशली जो रिमोट बॉर्डर एरियाज है हिमाचल और लद्दाख के लिए जो कि कट ऑफ हो जाते हैं विंटर मंथ्स के अंदर, ये उनके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट साबित होगा। नेक्स्ट अप इज योर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राइट, जिसने अचीव कर लिए हैं ईयर एंड में राइट एज 2019 कम्स टू अ क्लोज 1 करोड़ बेनिफिशरीज। ठीक है, ये जो योजना है एक फ्लैगशिप स्कीम थी गवर्नमेंट की फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एज वेल एज लैक्टेटिंग मदर्स राइट, जिन्होंने 1 करोड़ बेनिफिशरीज के साथ एक बहुत ही मेजर माइलस्टोन जो है अचीव किया है। ठीक है, साथ ही में जो टोटल एक अमाउंट डिस्पर्स किया गया था बेनिफिशरीज को वो क्रॉस कर गया है 4,000 करोड़। ये एक डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम है राइट, जिसके अंदर कैश बेनिफिट्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली, ताकि जो इन्हांस न्यूट्रिशनल नीड्स होती हैं उनको मीट किया जा सके। साथ ही में पार्शली कंपेंसेट करती है वेज लॉस जो कि मदर सफ़र करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। जो इम्प्लीमेंटेशन है स्कीम की ये स्टार्ट हो गई थी 2017 से। इस स्कीम के तहत जो है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन जो है उनको कैश बेनिफिट मिलता है 5,000 रुपये का 3 इंस्टॉलमेंट्स में ऑन फुलफिलिंग सर्टन कंडीशंस, दैट इज अर्ली रजिस्ट्रेशन करवाना प्रेगनेंसी का, एंटीनेटल चेकअप्स करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना चाइल्ड बर्थ का और कंप्लीट करना फर्स्ट साइकिल ऑफ वैक्सीनेशन पहले लिविंग बच्चे की ऑफ द फैमिली। जो एलिजिबल बेनिफिशरीज है उनको कैश इंसेंटिव भी मिलता है अंडर द जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, सो ऑन एन एवरेज जो एक वुमन है उनको 6,000 रुपये के तहत जो के जितने जो है बेनिफिट्स मिलते हैं। नेक्स्ट अप इज़ योर बेगम हज़रत महल गर्ल्स स्कॉलरशिप्स। ईयर 2019 के अंदर एज वी सेलिब्रेट 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी ऑफ अफेयर्स हैं उन्होंने प्रोवाइड की बेगम हज़रत महल गर्ल्स स्कॉलरशिप 3 लाख बैकवर्ड गर्ल्स को जो कि बिलोंग करती हैं 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को। ये 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज़ आर ऑब्वियसली योर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जिनके बारे में आप सब जानते हैं, दैट इज़ योर जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सिख एंड मुस्लिम। ये स्कॉलरशिप जो है प्रोवाइड की जाती है बाय द मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ये स्कॉलरशिप जो है एम करती है कि ट्यूशन फी असिस्टेंस मिल सके अलॉन्ग विद अदर बेनिफिट्स टू मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट्स जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से आती हैं और अपनी एजुकेशन को सपोर्ट नहीं कर पाती फाइनेंशियल इशूज़ के कारण। हाउएवर कुछ कंडीशंस है जो कि फुलफिल करनी होती हैं। सिर्फ गर्ल स्टूडेंट्स जो कि इन 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटी से आती हैं सिर्फ वो एलिजिबल हैं इसके लिए। ये 9 से 12वीं कक्षा के अंदर होनी चाहिए। जो एनुअल फैमिली इनकम है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए। साथ ही में जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए इन द प्रीवियस क्लास। जो एलिजिबल स्टूडेंट्स होती हैं फॉर दिस स्कॉलरशिप राइट, उनका एक्सपेंडिचर ऑन एडमिशन कोर्स और ट्यूशन जो है एज वेल एज मेंटेनेंस अलाउंस उसकी देखभाल की जाती है। जो 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा में लड़कियां हैं उनको 5,000 ईच मिलता है, वेर एज जो 11th एंड 12th में है उनको 6,000 ईच। नेक्स्ट अप इज़ इम्पॉर्टेंटली हज के बारे में जो कि ईयर एंड में आया। इंडिया जो है पहली कंट्री बन गई इन द इंटायर वर्ल्ड जिसने पूरा का पूरा हज 2020 का प्रोसेस जो है 100% डिजिटल कर लिया है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस है, ई वीज़ा है, हज मोबाइल ऐप है, ई मसीहा हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल है, प्लस देर इज़ द ई लगेज प्री टैगिंग जो कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करती है इन इंडिया रिगार्डिंग अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इन मक्का मदीना। यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स जो हैं उन्होंने बायलेटरल एनुअल हज 2020 अग्रीमेंट साइन किया बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया राइट। साथ ही में पहली बार ये जो फैसिलिटीज़ है प्रोवाइड की जाएंगी फॉर प्री टैगिंग ऑफ बैगेज ऑफ द पिलग्रिम्स, जो कि इंश्योर करेगा कि पिलग्रिम्स जो कि इंडिया से जा रहे हैं हज के लिए उनको सारी इंफॉर्मेशन इंडिया में ही मिल जाए
राइट, जो कि ज़रूरी है से फॉर रूम जो कि अलॉट किया गया है उनको, ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स राइट, बस जो कि उनको एयरपोर्ट से लेके जाएगी, इनफैक्ट इवन सिम कार्ड जो है उसको मोबाइल ऐप से जो है वो लिंक कर दिया गया है. दिस ईयर 100 लाइन इंफॉर्मेशन सेंटर जो है वो भी इस्टेब्लिश कर दिया गया है एट द हज हाउस, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी रिगार्डिंग द इंटायर प्रोसेस. साथ ही में एक हेल्थ कार्ड भी प्रोवाइड किया जा रहा है टू द पिलग्रिम्स राइट, जिसका नाम है ई मसीहा, दैट इज ई मेडिकल असिस्टेंस सिस्टम फॉर इंडियन पिलग्रिम्स अब्रॉड. ये एक ऑनलाइन सिस्टम होगा जो कि क्रिएट और मेंटेन करेगा कंप्लीट हेल्थ डेटाबेस इंडियन पिलग्रिम्स का, अलोंग विद डॉक्टर्स की जो सब्सक्रिप्शंस, मेडिकल ट्रीटमेंट एज वेल एज मेडिसिन डिस्पर्सल्स राइट, इन केस अगर कोई भी इमरजेंसी उनके ट्रैवल के टाइम पे उभर के आती है प्रोवाइड की जा सके. नेक्स्ट अप इज योर एको नेटवर्क. एको नेटवर्क एक नेशनल प्रोग्राम है जो कि प्रोवाइड करता है एक टेम्पलेट क्रॉस डिसिप्लिनरी लीडरशिप डेवलप करने के लिए, विद अ स्पेसिफिक फोकस रिसर्च नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ इंडियन इकोलॉजी एज वेल एज इन्वायरमेंट पे. ये एक नेशनल नेटवर्क को डेवलप करने की कोशिश करता है जो कि आने वाली पीढ़ी को कैटलाइज करेगी ताकि वो इंटर डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट्स के साथ जो है अपने आप को फेमिलियराइज कर सके, साथ ही में टैकल कर पाए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी. कोई भी ऐसा और नेटवर्क जो है कहीं भी दुनिया में इस्टेब्लिश नहीं है, नहीं एग्जिस्ट करता. यहाँ पे इंटरैक्टिव सेशंस होंगे सिटीजंस, इंडस्ट्री, एकेडमिया, गवर्नमेंट के बीच में, जिसके थ्रू नेटवर्क जो है आइडेंटिफाई करेगा नॉलेज गैप्स को और सिलेक्टेड टॉपिक्स जिनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ज़रूरी है इन ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल इकोसिस्टम्स. साथ ही में ये ट्रेन करेगा पोस्ट डॉक्टोरल लीडर्स को इन रिसर्च एंड आउटरीच. साथ ही में इनकॉर्पोरेट करेगा करंट पब्लिक एंड प्राइवेट एफर्ट्स को इनटू दिस नेटवर्क, जिसके थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है डेवलप किए जा सके फॉर सिटीजन्स, इंडस्ट्रीज एज वेल एज द गवर्नमेंट. ठीक है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नेटवर्क माना जा रहा है राइट, जो कि पूरी ही कंट्री के अंदर लीडरशिप, फ्यूचर लीडरशिप एज वेल एज अवेयरनेस के लिए एक इंपॉर्टेंट काम करेगा. ठीक है, नेक्स्ट अप इज़ योर इंडियन फार्माकोपिया राइट, द लास्ट न्यूज़ ऑफ टुडे. इंडियन फार्माकोपिया जो है रिकॉग्नाइज कर दिया गया है बाय द नेशनल डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स ऑफ अफगानिस्तान. आईपी जो है एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स है एज पर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1940 एज वेल एज द रूल्स ऑफ 1945. ये जो आईपी है स्पेसिफाई करता है स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स को जो कि मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, मार्केट किए जा रहे हैं इंडिया, इन टर्म्स ऑफ देयर आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ. जो क्वालिटी एंड एफिकेसी है एज वेल एज सेफ्टी ऑफ मेडिसिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हेल्थ केयर के लिए, और इसको इंश्योर करने के लिए जो क्वालिटी ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स होती हैं और इनके जो लीगल एंड साइंटिफिक स्टैंडर्ड होते हैं ये प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इन द फॉर्म ऑफ इंडियन फार्माकोपिया एज पर द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट. ये आईपी जो है ऑफिशियल बुक है स्टैंडर्ड्स की ऑफ ड्रग्स इंपोर्टेड या फिर जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं फॉर सेल, स्टॉक, एग्जीबिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया. ये आईपी कमीशन का मिशन है कि वो प्रमोट कर पाए पब्लिक इन एनिमल हेल्थ राइट, और ऑफिशियली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स जो है फॉर क्वालिटी ऑफ ड्रग्स उनके बारे में जो है जितनी इंफॉर्मेशन हो सके वो परपेचुएट कर सके हेल्थ प्रोफेशनल्स, पेशेंट्स एंड कंज्यूमर्स के विद इन. ठीक है, इन एडिशन आईपीसी जो है डेवलप करता है आईपी रेफरेंस स्टैंडर्ड्स भी, जो कि एक फिंगरप्रिंट की तरह एक्ट करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी आर्टिकल अंडर टेस्ट और इसकी प्योरिटी जो कि प्रिस्क्राइब की गई है बाय आईपी मोनोग्राम्स. स्टैंडर्ड्स जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं आईपी में दे आर अथॉरिटेटिव इन नेचर और इनको इन्फोर्स किया जाता है बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मेडिसिन इन द इंटायर कंट्री. ठीक है, सो दीज वर योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने के लिए राइट प्रीवियस वीक से. इनके अंदर जो है इनके बारे में आप और जान सकते हैं, यू कैन रीड मोर अबाउट देम राइट. थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. कीप प्रिपेयरिंग एंड सी यू सून विद स्लीपी क्लासेस.